बुद्ध एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, मेरी पूजा मत करना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, दुख तुमने पैदा किया है तुम्हें ही इसे दूर करना होगा। मैं जिस मार्ग पर चला हूँ वो मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद होगा। मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। बुद्ध भारत के पूरे यात्रा में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को एक स्वाद दिया है, एक नमक दिया है। बुद्ध वो विद्रोही हैं जिन्होंने आत्मा से परमात्मा तक का सफर और इंसान से भगवान तक का सफर जीते जी तय किया। हालांकि बुद्ध वही व्यक्ति हैं जिन्होंने न तो आत्मा को माना न तो परमात्मा को माना, जिन्होंने कहा कि इसके बाद जो बच जाता है डेट्स रिमेन, और इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद सिर्फ शून्य बचता है। बुद्ध ध्यान के मार्ग पर चलते हुए उन ऊंचाइयों को छू गए जिन ऊंचाइयों को देवता भी नहीं छू पाए। बुद्ध ने कभी किसी चमत्कार को प्रोत्साहित नहीं किया, हालांकि उनके अंदर पंच भूतों पर कब्जा करने पर ताकत हासिल करने की, या अंग्रेजी में कहें उसको ओवर पावर करने की ताकत आ चुकी थी। बुद्ध वो व्यक्ति हैं जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वट वृक्ष के नीचे वो बैठे थे और बहुत जोरों से वर्षा होने लगी, तो उस जंगल में वृक्ष के अगल बगल के सारे नागों ने बुद्ध के सर के ऊपर छतरी बना के उन्हें छाप लिया। ये देख के उनके सारे शिष्य भाग गए, जो भी बचे कुचे। इसीलिए हमारी परंपरा में सांपों की पूजा होती है, क्योंकि एक तेजस्वी व्यक्ति की आभा को, एक ध्यानी व्यक्ति की आभा को नाग दूर से पहचान लेते हैं। वो बहुत ज्यादा आच्छादित होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हमारे देवताओं के द्वारा, हमारे महापुरुषों के द्वारा नागों का बड़ा समादर किया गया। बात बुद्ध की हो रही थी लेकिन मैंने नागों की भी बात कर डाली। आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैं अपने इन्हीं शब्दों से बुद्ध को सत सत नमन करता हूँ और ये बात फिर से दोहराता हूँ जैसा मैंने बार बार दोहराया है कि बुद्ध भारत के वो लाल हैं जिसके कारण पूरा एशिया महाद्वीप भारत के चरणों में सर झुकाता है।